अफ्रीका के इस वीडियो में आप ग्रेव रिलीज फायर रेसिडेंट्स आर साइलेंट वॉचिंग इट आयरी ये जितने भी अतराफ बैठे हुए ये लोकल लोग हैं और वहां के खबर खोदने वाले लोग हैं और खबर किसकी खोदने वाले वहां पे आग लगी हुई है पूरी। अच्छा एंड रिपोर्ट्स के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि भाई अंदर कीड़े चुंटियां बहुत थे तो वो पाउडर वगैरह डाल के डिक करे हुए ग्रेफ को जलाया गया। अब इसको क्या करते हैं लोग मालूम कुछ तो भी ऑडियो डाल के खबर काजा बोल के ऐसा आग दिखाते वो अजीब ही फेक चीजें कर देते उन लोगों। ये वीडियो रियल है फेक मैं तो फेक बोलता हूँ क्यों बोले तो अगर कोई शख्स ऐसे रियल में आवाज़ सुना तो उन्हें फौरी भाग जाता उन्हें। और ये जो शख्स फिल्मा रहा आप देखो इन्हें हाथ रख के मेजर कर रहा है इन्हें या क्या चीज़ का ब्रिक वर्क चल रहा नहीं मालूम। ये देखो इन्हें हाथ रख के उन्हें मेजर कर रहा है ये ब्रिक वर्क वगैरह कि कैसा कंस्ट्रक्ट करना है उसकी वीडियो वगैरह ले ले रहा। तो जो भी शख्स है इसकी वीडियो उठा के उन्होंने जो है ना ग्रेव इन ईरान डाल दिया ग्रेव इन ईरान डाल के वैसे साउंड डाल दिए। देखो अरे यार मत करो यार ये अज़ाब इलाही को मजाक समझने वालों ये क्लिप जरूर आकर तक देखिएगा। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैयत को कब्र में उतारा गया तो फौरी से आग के शोले भड़क उठे जो देखते ही देखते बढ़ते जा रहे थे। लेकिन प्यारे दोस्तों ये दुनियावी आग नहीं जिस पर काबू पा लेना आसान काम होता। भाई साइलेंट हो जाओ यार खबर को ऐसा कान लगा के सुन रही है। एक बार जब सोल डिपार्ट हो जाती तो हो जाती सोल। एक कब्र में दफन मुर्दे की गाना गाते हुए आवाजें सुनाई देती है। आवाज गुनगुनाहट की आवाज आ रही थी। अच्छा फिर क्या हुआ? बस आवाज सुनकर अपना घर आ गया। हमने अपने घर पे बताया कैसे ऐसा आवाज आ रही है। कहाँ से आवाज आ रही है? कब्र में से आ रही है। कब्र में से नहीं आ रही कोई पीले के जाके बैठा हुआ है वहां पे। खबर में से कैसा गुनगुनाने की आवाज़ आ रही करते हैं इनको गाने वाने चलते खबर में। बहरहाल दोस्तों ये बोलना चाह रहा हूँ मेरे को ये मालूम घर में नहीं रहे कहीं और गए ना अपन प्रॉब्लम होते देखो। तो अगर मेरे वैसा आप लोगों को किसी को भी एक्ने पोर्स या कोई भी चीज़ का ऐसा प्रॉब्लम हो रहा और आप लोग सफ़र कर रहे हैं तो आप लोग के लिए मैं कॉम्बो प्रोडक्ट सजेस्ट करूंगा और वो है मुश्ताक का ओशन ब्लू फोम फेस वॉश और मुश्ताक का हर्बल स्किन लाइटनिंग ऑयल। दोस्तों मुश्ताक के प्रोडक्ट्स में फायदे क्या है? अगर आप इसका स्किन लाइटनिंग ऑयल यूज करें तो ये आपके स्किन के पोर्स साफ करेगा डेड स्किन रिपेयर करेगा और इजिली आपके स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएगा। इसके अंदर टर्मरिक और एलोवेरा जैसे इंग्रेडिएंट्स है जो कि आपके स्किन के लिए फायदेमंद रहेंगे और ये आपके स्किन पे अप्लाई करने से आपका स्किन मॉइस्चराइज रहेगा और इसको लगातार यूज करने से ये आपके चेहरे पे एक ब्राइटनेस लाएगा। इसके 10 मिनट के बाद आपको यूज करना होगा मुश्ताक का ओशन फोम फेस वॉश। इसके सिलिकॉन ब्रश की मदद से आप इसे सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे मसाज करें और थोड़ी देर के बाद वॉश आउट कर दे। ये SLS और पैराबेन फ्री है और इन दोनों प्रोडक्ट्स को जरूर आप चेकआउट करें जबरदस्त रिजल्ट्स के लिए। ये कंटेन करता है लिकोराइस एक्सट्रैक्ट्स जो कि पिगमेंटेशन रिड्यूस करेगा और इंस्टेंट ग्लो लाएगा। अगर आप लोग इसे ऑर्डर करना चाहते हो तो इजिली ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर भी और आप लोग की आसानी के लिए मैं इसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां पे जाके आप इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। अगर इसमें भी परेशानी हो रही है तो आप इनके कस्टमर केयर नंबर पे कॉन्टेक्ट करके ऑर्डर दे सकते हैं या कोई भी क्वेरी अपनी रेस कर सकते हैं। गो चेक आउट नाउ विल बी बैक टू अवर वीडियो। अगली वाली वीडियो है द ग्रेवयार्ड एक्सपेरिमेंट। आप लोग को तो मालूम होगा कई हदीसों में भी अपने को बताया गया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जब इंसान का बरियल होता तो अगर वो अच्छा रहता तो उन्हें बोलता जल्दी जल्दी मेरे को लेके चलो, जो बुरा रहता उसकी चीखें पुकारने की आवाज़ आते और वो हर चीज़ को अतराफ के सुनाई देते सिवाय इंसानों के। अगर इंसान सुनता तो वो अनकॉन्शियस हो जाता, ये हदीस में दिया गया। तो ऐसी एक अफगानी शख्स है जो कि उसके एनिमल को जो है ना ग्रेवयार्ड में लेके गया। तो ग्रेवयार्ड में लेके जाने का तो उसके पैरट की हालत देखो आप लोग। यहाँ पे एक सही हदीस भी है आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा
reported the Prophet ﷺ said they told the truth, they would be tormented so much that the animals would listen to it. इन्हें कोई क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड को लेके जा रहा है। देखो कैसा अब ये बर्ड खेल रहा, कूद रहा, एंजॉय कर रहा, हरियाली दिख रही, अच्छा एंजॉय कर रहा। अब वीडियो का टर्निंग पॉइंट यहाँ पे है, देखो। Looked up and down. Yeah. Look, his eyes are. Exactly. वो बर्ड को देखो ना, नीचे खबरों में देखे सर, देखो उसकी सूरत देखो ना, शॉक हो गया एकदम। Her behavior has changed. Now she's not. Now she ain't so funny anymore. ये देखो जब से खेलते हुए आया खबर में, अब देखो। I'm getting creeped out right now. She's looking down. That's weird. Watch out for the grave. What happened? Tripping. She's not acting cool anymore. Yeah, she was having fun earlier. Now she's uncomfortable. Yeah. How tight is her grip on your hand? She's very uncomfortable. Does she have a tight grip? ये बर्ड देखे होंगे आप लोग, जब कब्रिस्तान में इन्हें लेके आया तो इन्हें खुश थी मतलब एंट्रेंस की तरफ। अब जब इन्हें नीचे देखना शुरू करी, अतराफ देख रही इन्हें किधर है क्या है, तो चीखा पुकारा शुरू कर दिया। और हैबत में इसको गौर करो, हैबत में ये बर्ड। हैबत में यार इसका हाथ भी चढ़ जा रही उन्हें। देखो थोड़ी देर पहले खेल रही कूद रही थी, देखो नीचे देख रही और हैबत में आ रही बर्ड। अल्लाह अपनी हिफाजत करे खबर के अजाब से। ये वीडियो इसलिए आई ओपनिंग है अपने लिए क्योंकि आप लोग बर्ड को देखे, बर्ड नीचे जैसा खबर में देख रही, उन्हें चीखने के वो कर रही है क्योंकि पैरट्स वगैरह जो सर्टेन बर्ड्स रहते हैं उन क्या करते हैं, अब आप हेलो 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 करे तो ये लोग भी हेलो 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 करते। अब बात नहीं कर रही, इन्हें स्क्रीम कर रही, इसको जो सुनाई दे रहा शायद खबर के नीचे, क्योंकि एनिमल सुन सकते खबर के अजाब को अपने हदीसों में भी जैसा बताया गया, तो इन्हें उन लोग की कॉपी करने चाह रही। I were leaving and she is ready to leave. Go ahead. Look at her. She wants to go in the car, dude. She's gone, bro. She outie. Famous Arab stories भी है, बेदुइन मिडिल ईस्ट के विलेजर्स है। शी कैमल बर्ड देने में मतलब उसके बच्चे को पैदा करने में अगर तकलीफ होती थी तो बेदुइन वगैरह क्या करते थे, खबरों लेके जाते थे और वहां पे उन्हें हैबत के मारे जल्द से जल्द उन्हें बेबी कैमल को बर्ड दे देती थी। ये मशहूर वाक्य है सऊदी अरब मिडिल ईस्ट में, क्यों, क्योंकि एनिमल्स को खबर का अजाब सुनाई देता। वन ऑफ द क्रेजीएस्ट ऑडियो क्लिप है ये। लोग इसको बोल रहे हैं कि भाई जो हेल में लोग जल रहे हैं उन लोग के ये चीख पुकारों की आवाज आए। भाई अर्थ के अंदर दो जख्म कौन बोले पहले, इनको ये तो नहीं मालूम। मगर For two decades, they managed to dig more than 7.5 miles down into the earth, and the scientists lowered some equipment to see what was down there. वो लोग ऑडियो क्लिप रिलीज कर रहे थे जो कि पूरे दुनिया में मशहूर हो गई थी। ये 19th सेंचुरी का है ये और बहुत ज्यादा मशहूर हो गया था, ये बहुत ज्यादा फेमस है ये। मैं इसके बारे में डेप में एक वीडियो भी है जो कि टीबीवी नॉलेज एंड ट्रुथ पे, अगर आप लोग वो चेकआउट करना चाह रहे तो कैसे भी जाके चेकआउट करो, फिर भी देखो आप लोग। आप लोगों को तो मालूम होगा कि कुत्तों को, जानवरों को, चंद जानवरों को चीजें दिखते हैं, शैतान वगैरह भी दिखते हैं। Get in here. Get in here. What is the deal? Astrid, you're freaking me out. Come here. Come here. देख रहा कुछ चीज कमरे में, इसलिए नहीं आना चाह रहा हूं। इंसान को नहीं दिख रही क्योंकि अपने को शैतान वगैरह दिख नहीं सकते, मगर है। अफ्रीका के इस वीडियो में आप यह समझाने वाले कि ऐसा आवाज इतनी डीप क्यों है। कब्र खोदते देख रहे हैं जिसमें कुछ ही दिन पहले एक गर्भवती महिला को दफनाया गया था। दरअसल यहाँ के स्थानीय निवासियों को
एक कब्र में से एक बच्चे के रोने की आवाजें आती सुनाई दी थी, जिसकी जांच करने के लिए इन्होंने इस कब्र को खोलकर देखना बेहतर समझा। जी नहीं, ये आपकी आंखों का धोखा नहीं, अरे तेरी हकीकत है। यहाँ सच में इस कब्र में से एक जिंदा इंसानी बच्चे को निकाला गया, जिसको इस कब्र में मुर्दा पड़ी महिला ने जन्म दिया था। जहाँ इस घटना को यहाँ के स्थानीय निवासी अल्लाह का करिश्मा मानते हैं, वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि मरने के बाद शरीर की क्रियाएं बंद होने की वजह से शरीर के भीतर तमाम तरह की गैस बनने लगती है, पेट फूलने लगता है और अत्यंत गैस होने की वजह से बच्चा मृत महिला के शरीर से बाहर आना संभव है। भैया नरेटर क्या स्टोरी बोल रहा हूँ आलम, जो डेड बॉडी को खबर में डाला गया था वो प्रेग्नेंट थी औरत, उसके बाद ये खबर में जो है ना बच्चा पैदा हो गया, तो साइंटिस्ट से पूछा तो पॉसिबल होगा क्योंकि गैसेस बहुत सारे कंपोज होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह आलम मेरे क्या दिखा, बस लोग रहते देखो कचरे में डाल देते, या इंडिया में कई न्यूज चैनल्स में देखते थे कचरे में डाल देते या वहां छुपा देते, क्यों बोले तो उन लोग को पालना उन लोग के ऊपर बहुत बड़ा बोझ दिखता हो। मैं समझा कि वीडियो देखने के पहले के बच्चे को कोई अंदर डाल दिए होंगे जिससे पालना हो रहा नहीं, बहुत समझ के बच्चों को यहाँ फेंक देते वैसी कुछ स्टोरी होंगी, मगर नरेटर बोल रहा कि वहाँ के अफ्रीकन उसको चमत्कार मानते। लाइट ब्लरी है वीडियो वाली क्योंकि यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ चली जाती है, अगर मैं क्लियर वीडियो डाल दिया तो मैं एक अजीब लड़की को देखकर हैरत में पड़े हुए दिखाई देंगे। सुबह सुबह दिन दहाड़े दरअसल इनका हैरान होना स्वाभाविक था क्योंकि इस लड़की की चाल ढाल असाधारण प्रतीत हो रही थी। यहाँ वो अलग अलग कब्रों के पास जाकर उनको छू रही थी। ये लड़के उस पर बहुत चिल्लाए लेकिन उस लड़की को मानो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। डरे हुए दोनों दोस्त काफी देर तक उसके वापस दिखाई देने का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें व्हाट्सएप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। पता नहीं 70% लोग मैं मेरे स्टार्ट्स में देखा सिर्फ आते वीडियो देखते चले जाते, सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब करें और दूसरे वीडियोज भी मेरे चैनल पर भी जाकर चेकआउट करें कैसे भी आप लोग। और दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले फिर आप लोग को एक बार याद दिला दूं मुश्ताक के कोमो प्रोडक्ट्स, मैं सीरियसली बोल रहा हूं मुश्ताक का जो ब्लू फोम फेस वॉश है ना वाकई उसको यूज करने के बाद आप चेंजेस देखते, तो कैसे भी जाओ चेकआउट करो इन कोमो प्रोडक्ट्स को, इनके लिंक्स मिल जाएंगे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं, तो गो चेक आउट। कैसे भी फेसबुक के ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाइए, शॉर्टकट में वीडियो आप लोग को मिलेगा जो कि आपके शेयरिंग के लिए भी आसान रहेगा। मेरे से इंस्टाग्राम पे टच में रहे, वहां पे आप वीडियोस फोटोज कुछ भी विचक्राफ्ट या हॉरिफाइंग भेज सकते हैं मुझे, जिस पर मैं रिएक्ट करूंगा और आपको प्यार दिलाऊंगा। दोस्तों फिर टेक केयर, मां सलामत।